नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि शेयर मार्केट में, जी हाँ दोस्ततों, बहुत सारे लोग होते हैं शेयर मार्केट में इंट्राडे खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में इंट्राडे खेलते हैं। अब इंट्राडे में डेली का होता है उस दिन लाभ। अब आपको अपना ये कैसे पता लगाना है कि आपको किस दिन लाभ होगा किस दिन हानि होगी, वो आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करने के लिए किस तरीके से करेंगे, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं वो, अगर आप लोग कर सकते हैं, देख कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के नीचे एक रेड बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हूँ मेल कर देगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के फिलहाल किताब टैरो पामस्ट्री वास्तु मैच के पेडिशन क्लासेस स्टार्ट है, नोट्स भी उपलब्ध है। चलते हैं टॉपिक की तरफ कि शेयर मार्केट में किस दिन निवेश करें और किस दिन ना निवेश करें, तो उसको आपको कैसे पता करना। दोस्तों आप लोग सब लोग अपने घरों में हिंदू कैलेंडर अगर आता है तो उसमें दैनिक गोचर चार्ट बना होता है, या फिर आप अपने नेट पे ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं दैनिक गोचर चार्ट। आपको अपने दैनिक गोचर चार्ट में कुछ बातें पॉइंट नोट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप जिस दिन इंट्राडे में आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप खेल रहे हैं, तो उस दिन आप चंद्रमा की पोजीशन सबसे पहले आपको देखना है। तो चंद्रमा को जब देखना है तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जिस दिन आप इंट्राडे पे निवेश करने जा रहे हैं उस दिन चंद्रमा नीच राशि में ना हो, या फिर ठीक है चंद्रमा नीच राशि में ना हो, या फिर चंद्रमा कहीं ऐसे स्थान ऐसी राशि में ना हो जो कुंडली की 6, 8, 12 भाव, यानी कि 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर यानी कन्या, वृश्चिक या मीन राशि में ना हो, तो उस दिन थोड़ा सा इंट्राडे में अप एंड डाउन हो सकता है। और जिस दिन चंद्रमा नीच का हो यानी वृश्चिक राशि में, तो उस दिन तो बिल्कुल इंट्राडे में निवेश ना करें। अब आपको इसमें क्या करना है कि चंद्रमा की पोजीशन आपको ये देखना है कि ये जो चीज़ें हो गई, अब आपको ये भी देखना है कि चंद्रमा का नक्षत्र राशि भी देखना है। सेकंड पॉइंट कि चंद्रमा का नक्षत्र राशि देख लीजिए कि वो नीच राशि में है या फिर कहाँ बैठा हुआ है, ठीक। चंद्रमा और उसका नक्षत्र ग्रह शत्रु ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ ना बैठा हो, यानी राहु के साथ ना बैठा हो, या केतु या और भी शनि के साथ ना बैठा हो, तो वो चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। अब आपको लाभ कब होगा, तो आपको चंद्रमा जब सेकंड हाउस की राशि या फिर 11th हाउस की राशि या उसके नक्षत्र स्वामी में हो तो आपको उस दिन लाभ होगा। तो चंद्रमा यानी कि सेकंड हाउस की राशि, सॉरी चंद्रमा यहाँ पे सेकंड हाउस की राशि यानी कि अगर आप देख लें आपके गोचर चार्ट में सेकंड हाउस में जो भी राशि बन रही हो, अगर चंद्रमा उस राशि में हो या फिर उस राशि के नक्षत्र में हो तो उस दिन आपको लाभ होगा, या 11th हाउस की राशि में हो या 11th हाउस के नक्षत्र में हो तो उस दिन आपको लाभ होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब चंद्रमा 5th हाउस की राशि में भी हो या उसके नक्षत्र में भी हो तो भी आपको उस दिन लाभ होगा। तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। हानि कब होगी, अगर आपका चंद्रमा 6 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि में, तो उस दिन निवेश करने से बचे, उस दिन आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि सेकंड पॉइंट ये देखना है कि चंद्रमा जिस दिन किस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी भी 6, 8, 12 से संबंध ना बनाओ या फिर अपनी नीच राशि में ना हो, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको लाभ कब होना है, जब चंद्रमा सेकंड हाउस की राशि के राशि में हो या राशि के नक्षत्र में हो, या फिर 11th हाउस के राशि में हो या राशि के नक्षत्र में हो, या 5th हाउस की राशि में हो या 5th हाउस के राशि के नक्षत्र में हो, तो उस दिन आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में लाभ कमा सकते हैं चंद्र कुंडली की सहायता से। धन्यवाद दोस्तों, हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। समस्या हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए।